हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आप लोगों को यूपीएससी एग्ज़ाम कैसे बिना किसी डर के क्रैक किया जाए, इसके लिए सहायता कर रहा हूँ। बट बिना किसी डर के का इतना मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको एफर्ट नहीं लगाना होगा। अगर डर को कम करना है तो एफर्ट को बढ़ाना होगा, यही हमारा मूल मंत्र है दोस्तों। इंक्रीज योर एफर्ट्स टू रिमूव योर फियर। चलिए, इस कड़ी में हम लोग अभी तक एंशियंट हिस्ट्री के टोटल 5 वीडियोज बना चुके हैं, जिसमें मैंने आपको अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी सारे एमसीक्यू सॉल्व कराया। और आज हम लोग एंशियंट हिस्ट्री का ये आखिरी लेक्चर है, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे पल्लवाज एंड चालुक्याज के बारे में। दोस्तों, आज हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे पल्लवाज के ऊपर, चालुक्याज के ऊपर एंड चोल एम्पायर के ऊपर। लगभग 9th से लेकर 12th सेंचुरी तक का पीरियड कवर होगा आज, और ये एंशियंट हिस्ट्री का लास्ट पीरियड है। मेरा नाम है आनंद मोहन। दोस्तों, मैंने अभी तक यूपीएससी के 3 अटेम्प्ट दिए, तीनों बार मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स को आसानी से क्लियर कर लिया, और इसीलिए मैंने सबसे पहले कड़ी प्रीलिम्स से रिलेटेड ही बनाने का सोचा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द चोल डायनेस्टी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। चोल वंश से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं। पहला है कि देयर कोर एरिया ऑफ रूल वॉज द कृष्णा डेल्टा, लेटर नोन एज चोल मंडलम। दोस्तों, ये गलत है। जो चोल वंश का जो कोर एरिया था वो था कावेरी डेल्टा। ना कि कृष्णा डेल्टा, तो पहला तो काट दीजिए, तो ऑप्शन तो बी ही हो जाता है वैसे। बाकी देखिए, किंग कराइकल वाज अ फेमस रूलर ऑफ चोल किंगडम। ये सही बात है दोस्तों। ये जो एंशियंट चोल है ना, देखिए चोल वंश लगभग 100 बीसी से लेकर के 100 या 200 एडी के आसपास तक एक्टिव थी तमिलनाडु में। फिर बीच में उसका स्टेटस कम हो गया, फिर ये लगभग 9th सेंचुरी एडी में फिर से इसका उदय होता है। तो ये जो कराइकल है, किंग कराइकल, ये एंशियंट चोला के किंग है, ठीक है। बट हाँ, है चोल वंश से रिलेटेड ही। फिर देखिए, द बैटल ऑफ वेन्नी इज एसोसिएटेड विद द चोल डायनेस्टी। दोस्तों, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो किंग कराइकल थे ना, इन्होंने एक बैटल लड़ी थी, जिसमें देखिए साउथ में 3 डायनेस्टी थी। इधर साइड हो गया चोल, इधर साइड हो गया चेरा, और ये हो गया पंड्या। तो किंग कराइकल ने चेर और पंड्या दोनों को इकट्ठे ही हरा दिया था। इसी को बोला जाता है बैटल ऑफ वेन्नी। तो स्टेटमेंट 2 और 3 बिल्कुल सही है दोस्तों। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। इसको पढ़ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चोल रूल ड्यूरिंग द एंशियंट टाइम्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। चोल रूल से रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिया हुआ है। मुसीरी एंड तोंडी वेर द इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट्स ऑफ द चोलाज। दोस्तों, ये स्टेटमेंट गलत है। बेसिकली मुसीरी और तोंडी जो है इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट्स है चेरा डायनेस्टी का। चोलाज का सी पोर्ट है पुहार, और पुहार का ही नाम है कावेरी पट्टनम। इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। दूसरा देखिए, शाल भोग वॉज अ टाइप ऑफ लैंड ग्रांट गिवन टू द टेम्पल्स। ये भी गलत है दोस्तों। शाल भोग बेसिकली दिया जाता था स्कूल्स के लिए। शाल भोग दिया जाता था स्कूल्स के लिए। इसके अलावा जो टेम्पल्स को जो दिया जाता था उसको देवदान बोला जाता था, देवदान। ब्राह्मण को जो दिया जाता था उसको ब्रह्मदेय बोला जाता था। ब्राह्मण को ब्रह्मदेय, टेम्पल्स को देवदान,
स्कूल्स के लिए शाला भोग, और जैन लोगों को अगर दिया जाएगा तो उसको बोला जाएगा पल्ली छंदम। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं ये सब। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट हमारे गलत है दोस्तों। मुसीरी और तोंडी जो है चेर डायनेस्टी के सीपोर्ट्स हैं, और शाला भोग जो है वो स्कूल्स के लिए दिया जाता है। आइए देखिए, अब यहाँ पर लैंड देखिए जो चोल डायनेस्टी के अंदर वेल्लन वेगई या वेल्लन वगई, ये नॉन ब्राह्मण पीजेंट्स किसानों को, जो ब्राह्मण नहीं है वैसे किसानों को दिया जा रहा है, उसको वेल्लन वेगई बोला जाएगा। ब्रह्मदेय ब्राह्मण को दिया जाने वाला जमीन है। शालभोग स्कूल के लिए दिया जाने वाला जमीन। देवदान टेम्पल्स के लिए, और पल्ली छंदम जैन इंस्टीट्यूशंस के लिए। ठीक है, तो इसको याद रखिए। और मुसीरी और तोंडी वेर द इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स ऑफ द चेर डायनेस्टी। अब देखिए दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर डायनेस्टी का नाम है चेरा पांड्या और चोल, और यहाँ पर उनका प्रतीक दिया हुआ है। तो चेर डायनेस्टी का प्रतीक बो एंड एरो ही हुआ करता था, ये सही बात है। पांड्यन किंग्स का एम्बलम टाइगर नहीं था, पांड्यन किंग्स का एम्बलम फिश था, मछली। चोल किंग्स का एम्बलम फिश नहीं था, चोल किंग्स का एम्बलम टाइगर था। देखिए चेर का बो एंड एरो, ठीक है, पांड्या का फिस, और चोलाज का टाइगर, राइट। तो सेकेंड और थर्ड करेक्ट नहीं है, और यह इनकरेक्ट ही पूछ रहा है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C2 and 3 ओनली। जो पढ़ लीजिए दोस्तों। आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पांड्यन डायनेस्टी। पांड्यन डायनेस्टी से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इसको पढ़ना है। पांड्याज आर मेंशनड इन द कौटिल्याज अर्थशास्त्र एंड मेगास्थनीज इंडिका। दोस्तों ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज के जो इंडिका बुक में साउदर्न किंगडम्स की चर्चा है, जिसमें कि पांड्यंस चोल चेर सबकी हम लोग के सबके बारे में जानकारी मिलती है। तो पहला स्टेटमेंट बेसिकली सही है। फिर देखिए, इब्न बतूता विजिटेड द पांडियन एम्पायर। दोस्तों ये गलत है। पहली बात, इब्न बतूता जो है वो विजिट किया है 13th सेंचुरी में, और उस टाइम ये पांडियन एम्पायर में नहीं विजिट किया दोस्तों। हालांकि ये साउथ में गया है, लगभग काकटिया डायनेस्टी तक ये विजिट किया है। तो काकटिया डायनेस्टी हो गया आपका तेलंगाना में, ठीक है। फिर देखिए, पांडियन डायनेस्टीज पावर डिक्लाइंड विद द इन्वेजन ऑफ काला भ्राज, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। तो जो कालाभ्राज वंश जो थे, उन लोगों ने पांडियंस को बेसिकली रिप्लेस किया था साउथ में। तो सेकेंड काट दीजिए, थर्ड सही है, फर्स्ट सही है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 and 3 ओनली, ऑप्शन नंबर सी। इसको पढ़ लेंगे। देखिए कालाभ्राज बेसिकली एक ट्राइब थे। द पांडे डायनेस्टी पावर डिक्लाइंड विद द इन्वेजन ऑफ ट्राइब कॉल्ड द कालाभ्राज। फॉर अ लॉन्ग टाइम द पीरियड ऑफ कालाभ्राज वॉज डिस्क्राइब एज द डार्क एजेज इन द हिस्ट्री ऑफ तमिलाक्कम, ठीक है। देर वॉज पॉलिटिकल कायोस ड्यूरिंग द कालाभ्रा रूल। द सेकुलर आउटलुक ऑफ द संगम पीरियड गेव वे टू द रिलीजियस आउटलुक ऑफ द कालाभ्राज। तो कालाभ्रा ट्राइब के कारण पांडियंस का जो पावर है वो धीरे धीरे डिक्लाइन कर गया दोस्तों। आइए फिफ्थ क्वेश्चन पर चलते हैं।
पहला स्टेटमेंट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पल्लवा एडमिनिस्ट्रेशन, पल्लव रूल के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। द पल्लवा स्टेट वॉज डिवाइडेड इंटू नाडूज, दोस्तों ये गलत है। पल्लवा स्टेट जो है उसके डिवीजन को हम लोग नाडुनी कोट्टम बोलते हैं, कोट्टम। पहला तो गलत है। दूसरा देखिए, द किंग प्रोवाइडेड लैंड ग्रांट्स टू द टेम्पल्स नोन एज देवदान, बिल्कुल सही बात है। जो टेम्पल्स को जो दान दिया जाता था उसको देवदान ही बोलते थे, तो ये सही है। फिर देखिए, द पल्लव इंस्क्रिप्शन डिपिक्ट द विलेज असेंबलीज कॉल्ड सभाज एज वेल एज देयर कमिटीज, दोस्तों ये सही है। पल्लव डायनेस्टी के अंतर्गत हम लोग को तीन टाइप की असेंबलीज देखने के लिए मिलती है। एक है सभा, ये मेनली ब्राह्मणों की है। दूसरा है ऊर, ऊर बेसिकली नॉन ब्राह्मणों की है, ठीक है। और तीसरा है नगरम, नगरम है ट्रेडर्स का, ट्रेडर्स की असेंबली, ठीक है। तो ये तीनों हम लोग को पल्लव डायनेस्टी में देखने को मिलती है। तो सेकेंड और थर्ड आपका राइट है, मान दीजिए ऑप्शन नंबर बी। तो पढ़ लीजिए दोस्तों। आइए सिक्स्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द पल्लवाज, पल्लव डायनेस्टी से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला है द मामांदूर इंस्क्रिप्शन एंड द कुडू मिया मलाई इंस्क्रिप्शन आर रिलेटेड टू द पल्लवाज। दोस्तों आपने शायद इसके बारे में सुना नहीं होगा, ठीक है, बट ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये जो दोनों इंस्क्रिप्शन है आपको मैं ऐसे बता दूं, मामांदूर इंस्क्रिप्शन और कुदू मिया मलाई इंस्क्रिप्शन दोनों रिलेटेड है म्यूजिक वगैरह से, ठीक है। और ये पल्लवा डायनेस्टी से रिलेटेड है, पल्लवा टाइम पीरियड से रिलेटेड है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। फिर सेकेंड पढ़िए, द सीता नवसल पेंटिंग, सीता नवसल एक केव है, उस केव के अंदर बेसिकली जैन रिलीजन से रिलेटेड कुछ पेंटिंग्स है, ठीक है। तो ये तमिलनाडु में है, तो ये बिलोंग्ड टू दिस पीरियड यानी पल्लव पीरियड, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। सीता नवसल केव पेंटिंग बेसिकली पल्लव डायनेस्टी से ही रिलेटेड है, ठीक है। फिर अगला पढ़िए, पल्लवाज वेयर द कंटेम्प्रेरीज ऑफ चालुक्याज, दोस्तों ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए इधर साइड थे पल्लवाज, नरसिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन इत्यादि इत्यादि, और इधर है आपके चालुक्याज, तो ये दोनों लगभग सेम टाइम पे रूल कर रहे हैं, तो ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। तो 1, 2 and 3 ओनली, ऑप्शन नंबर सी मार दीजिए। इसको पढ़ लीजिए। आइए सेवेंथ क्वेश्चन पर चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टू चेरा रूलर्स ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया के जो चेर रूलर्स थे उनके बारे में स्टेटमेंट्स दिया हुआ है कि दे कंट्रोल्ड द सेंट्रल एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ केरला। तो ये सही बात है कि जो चेर रूलर्स थे वो केरला में ही रूल करते थे और उनका कैपिटल जो है वो वाणजी ही था, ठीक है। चेर का कैपिटल वाणजी था, तो ये स्टेटमेंट सही है दोस्तों। दे इशूड गोल्ड एंड सिल्वर क्वाइंस विद देयर बो एंड एरो एम्बलम ऑन देम, दोस्तों देखिए चेर का एम्बलम सही बात है, बो एंड एरो तीर धनुष ही था, ठीक है, उनका प्रतीक तीर धनुष था, ये पार्ट सही है। बट दे इशूड गोल्ड एंड सिल्वर क्वाइंस, दोस्तों उन लोगों ने ज़्यादा गोल्ड एंड सिल्वर क्वाइंस इशू किए नहीं है, मेनली अगर चेरज ने इशू किए हैं तो कॉपर एंड लीड क्वाइंस इशू किए हैं, कॉपर एंड लीड क्वाइंस, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आप ये याद रखिए, चेरा रूलर्स ने ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर क्वाइंस इशू नहीं किए हैं, उन्होंने ज़्यादा इशू किए हैं कॉपर एंड लीड क्वाइंस विथ देयर स्टेट एम्बलम यानी कि बो एंड एरो, तो इनकरेक्ट ही पूछ रहा है, तो इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो आपका हो जाएगा 2 नंबर यानी ऑप्शन नंबर बी। इस एक्सप्लेनेशन को आप लोग पढ़ लीजिए दोस्तों। आइए 8th क्वेश्चन पर चलते हैं। विद द रेफरेंस टू द एंशियंट हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स,
भारत के प्राचीन भारत से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं उसको पढ़ना है। द पांड्याज पैट्रोनाइज द तमिल संगम एंड फैसिलिटेटेड द कंपाइलेशन ऑफ द संगम पोइम। ये सही बात है दोस्तों, जो जो तीन संगम ऑर्गेनाइज किए गए थे वो पांडियन रूलर्स के द्वारा ही ऑर्गेनाइज किए गए थे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ठीक है, फिर दूसरा देखिए, द चोला वेंट इन टू डिक्लाइन विद द राइज ऑफ द पांड्याज ऑफ मदुरई इन द नाइन्थ सेंचुरी। ये एक्चुअली अपोजिट है, जो पांडियंस हैं उनका डिक्लाइन हुआ 9th सेंचुरी से, जबकि चोला का राइज स्टार्ट हो गया। मैंने आपको बताया था दो चोला थे, एक एंशियंट चोला और एक इम्पीरियल चोला। तो इम्पीरियल चोला का राइज स्टार्ट होता है 9th सेंचुरी से। जब इम्पीरियल चोला का राइज स्टार्ट होता है तो पांडियंस का डिक्लाइन शुरू होता है, पांडियंस का डिक्लाइन शुरू होता है। तो ये स्टेटमेंट एक्चुअली उल्टा है, द चोला वेंट इन टू डिक्लाइन नहीं होगा, द पांडियंस वेंट इन टू डिक्लाइन विद द राइज ऑफ, और यहाँ पांड्या नहीं होगा, यहाँ चोला जो हो जाएगा। ठीक है, तो इसको काट दीजिए, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वन ओनली। इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ लीजिए। आइए 9th क्वेश्चन पर चलते हैं। विद द रेफरेंस टू द संगम एज, संगम एज से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं उसको देखिए। स्लेव्स आर फाउंड मेंशन्ड इन द संगम एज। हाँ दोस्तों, संगम टाइम में स्लेवरी होती थी और उनको उसको संगम लिटरेचर में मेंशन भी किया गया है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। फिर देखिए, देर वेर अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वीमेन पोएट्स इन द संगम एज। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल आपका सही है दोस्तों, कि कुछ जो वीमेन पोएट्स भी संगम एज में थी। अब मैं आपको कुछ नाम बताऊं, तो एक नाम है आपका अवाईयार, मतलब AVAIYAR, अवाईयार। ये एक वीमेन पोएट थी संगम पीरियड की। तो हाँ, कुछ पोएट्स वीमेन भी थी, तो सेकेंड स्टेटमेंट सही है। फिर देखिए, अरिका मेडू, उरायूर, ठीक है, कांचीपुरम, मदुरई वेयर द सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन इन द संगम एज। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अरिका मेडू आपका बेसिकली पुडुचेरी में है, उरायूर, कांचीपुरम, मदुरई, ये सारा आपका बाकी तमिलनाडु में है दोस्तों। तो ये सारे जो है संगम पीरियड के क्राफ्ट प्रोडक्शन के सेंटर्स थे। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसका जो राइट स्टेटमेंट, राइट ऑप्शन हो गया 1, 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन नंबर डी। इसको पढ़ लीजिए। आइए दोस्तों 10th क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आर करेक्टली मैच्ड। अब यहां पर कुछ संगम टेक्स्ट दिया हुआ है, जैसे तोलकप्पियम, तिरुकुलर और मणिमेकलई, और बताना है कि इस लिटरेचर का मतलब ये किस तरह का लिटरेचर है। जैसे तोलकप्पियम बात करता है, एथिक्स की बात नहीं करता, ये ग्रामर की बात करता है। तोलकप्पियम में ग्रामर है, तिरुकुलर जो है उसमें ग्रामर नहीं, उसमें एथिक्स है। तो ये दोनों क्रॉस मैच किया हुआ है, तो पहला और दूसरा तो गलत हो गया। बाकी मणिमेकलई जो है वो सतनार ने लिखी है, और ये एक एपिक ही है, महाकाव्य है ये, एपिक मतलब महाकाव्य। तो मणिमेकलई किस क्या है, एक एपिक ही है। तो थर्ड सही है, फर्स्ट और सेकंड जो है वो इंटरचेंज किया हुआ है दोस्तों। तो थर्ड ओनली, ऑप्शन नंबर सी मार दीजिए। यहां इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। आइए 10th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। उमानार एक कीवर्ड है जो कि संगम एज से रिलेटेड है। उमानार का मतलब होता है सॉल्ट मर्चेंट। उमानार जो कीवर्ड है उसका अर्थ होता है सॉल्ट मर्चेंट्स। एक्चुअली आपको वहाँ जो मणिमेकलई बुक है, मणिमेकलई बुक में आपको पता चलेगा कि जो उमानार यानी जो सॉल्ट मर्चेंट्स होते थे वो बुलॉक कार्ट यानी कि बैलगाड़ी पर नमक बेचने जाते थे, इस तरह की कहानी है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि उमानार क्या है, उमानार है सॉल्ट मर्चेंट। राइट, चलिए ये बहुत इजी है, लेकिन याद रखिए, अब ये भूल जाएंगे ना तो कोई चांस ही नहीं कि आप इसको सही आंसर मार पाए।
उमानार सॉल्ट मर्चेंट, ऐसे याद कर लीजिए। पढ़ लीजिए दोस्तों। अब आइए ट्वेल्थ क्वेश्चन पर। विथ रेफरेंस टू द तिरुकुलर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट वॉज कंपोज एज ए कमेंट्री ऑन संगम लिटरेचर। दोस्तों ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। जो तिरुकुलर है वो संगम लिटरेचर पर कोई कमेंट्री वगैरह नहीं। तिरुकुलर में बेसिकली जिंदगी कैसे जीना चाहिए ऑनेस्टी के साथ, ठीक है, लोगों की सेवा करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, सच बोलना चाहिए वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों पर है। तिरुकुलर में तीन पार्ट हैं दोस्तों। एक पार्ट है रिलेटेड है इनर वर्च्यूज से, तो इनर वर्च्यूज में जैसे हो गया कि लव एटसेट्रा। एक पार्ट है आउटर वर्च्यूज, आउटर वर्च्यूज यानी कि ब्रेवरी, ठीक है। और एक पार्ट है गवर्नमेंट को कैसे चलाना चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट रूल से रिलेटेड, ठीक है, मतलब जैसे कि राजा वगैरह कैसे राज करना चाहिए, तो उस पर है ये, ठीक है। तो तीन पार्ट है, तो ये संगम लिटरेचर के ऊपर कमेंट्री तो नहीं है दोस्तों। तो पहला आंसर ऑप्शन तो गलत है। सेकेंड ऑप्शन है इट इज़ डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स रिलेटेड टू वर्च्यू गवर्नमेंट एंड लव, ये सही लग रहा है। तो टू ओनली, ऑप्शन नंबर बी को मार दीजिए दोस्तों। ये देखिए द पोएम्स आर कंसर्न्ड विद टू मेन टॉपिक्स, एक तो लव है, ठीक है, और फिर हीरोइज्म, और फिर प्रेज ऑफ किंग्स एंड देयर डीड्स, मतलब राजा वगैरह के बारे में है, ठीक है। तो ये आप याद रखिए। और यहाँ देखिए, यहाँ पर तीन टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं, आराम, आराम यानी वर्चू, फिर पोरुल, पोरुल यानी गवर्नमेंट राज्य और समाज, फिर कामम यानी लव। तो ये बेसिकली आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं दोस्तों 13th क्वेश्चन पर। 13th क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। बृहदेश्वर टेम्पल इज अ हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू शिवा। देखिए दोस्तों, जो बृहदेश्वर टेम्पल है उसी का एक और नाम है राज राजेश्वर टेम्पल, ठीक है। बृहदेश्वर टेम्पल का एक दूसरा नाम है राज राजेश्वर टेम्पल, और आपको पता होगा राज राजेश्वर टेम्पल किसने बनवाया है, तो राज राजा चोल ने बनवाया है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। अब दूसरा स्टेटमेंट देखिए कि द ऐरावतेश्वर टेम्पल एट दारासुरम वॉज बिल्ट बाय ग्रेट चोल किंग राजराज, ठीक है। तो ये सही है। अब आपको दोस्तों ध्यान में रखना है कि चोल वंश में दो राजराज चोल थे, ठीक है, एक तो है राजराज चोल टू और एक है राजराज चोल वन, ठीक है। तो ये जो बनवाया है या आपका ऐरावतेश्वर टेम्पल, ये राजराजा वन ने बनवाया है दोस्तों, ठीक है, और ये बनवाया है राजराजा टू ने, ठीक है। बट वो सब छोड़िए, राजराज वन राजराज टू, ये ध्यान में रखिए कि ये दोनों टेम्पल चोल वंश का ही है, ठीक है। बृहदेश्वर टेम्पल और ऐरावतेश्वर टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल का ही एक और नाम है राजराजेश्वर टेम्पल। अगर ये याद रहेगा तो आपको पता चल ही जाएगा कि चलो राजराजेश्वर नाम है इसका, तो कहीं ना कहीं राज राजा चोल ने ही बनवाया होगा। बाकी ऐरावतेश्वर टेम्पल जो है उसको भी राज राजा चोल ने ही बनवाया है, ठीक है। तो चलिए, इसमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन मत करिए। अब थर्ड स्टेटमेंट पर आइए। द पापनाथ टेम्पल वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द 8th सेंचुरी बाई राजेंद्र चोल III। दोस्तों एक्चुअली जो पापनाथ टेम्पल है ये चोल टेम्पल नहीं है, ये बेसिकली एक चालुक्यन टेम्पल है। चालुक्यन टेम्पल जो पट्टडकल में खूब सारे चालुक्यन टेम्पल हैं जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत भी आते हैं दोस्तों, ठीक है। उसी में से एक है पापनाथ टेम्पल,
इससे ये पता चल गया कि चोल वंश का नहीं है, तो इसको काट दीजिए, सीधी सी बात है। ये एक चालुक्यन टेम्पल है पट्टडकल का, ठीक है। तो थर्ड गलत है, फर्स्ट और सेकंड सही है, ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली पर टिक कर दीजिए दोस्तों। इसको पढ़ लीजिए आप। आइए 14th क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। विथ रेफरेंस टू द संगम लिटरेचर, संगम लिटरेचर से रिलेटेड है स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। संगम टेक्स्ट आर रिलीजियस टेक्स्ट दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट रिचुअल्स ऑफ हिंदू। देख दोस्तों ये गलत है एक्चुअली। संगम टेक्स्ट बेसिकली सेक्युलर टेक्स्ट है, ये वेद पुराण की तरह नहीं है जिसमें कि धर्म 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 की ही बात हो रही है। इसमें प्यार मोहब्बत लड़ाई झगड़ा कैसे रूल करना है नहीं करना है इन सब के बारे में है। तो ये तो स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा देखिए, संगम लिटरेचर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रेड विथ यवंस। यवंस बोलते थे बेसिकली रोमन्स को दोस्तों। तो ये सही स्टेटमेंट है वैसे, संगम लिटरेचर में यवंस के साथ ट्रेड वगैरह का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो 2 ओनली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बाकी संगम टेक्स्ट एक रिलीजियस टेक्स्ट नहीं है, ये सेक्युलर टाइप का टेक्स्ट है, तो पहला गलत हो जाएगा। इसको पढ़ लीजिए। आइए चलते हैं 15th क्वेश्चन पर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द चोला एडमिनिस्ट्रेशन। चोला एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स है दोस्तों। तो देखिए, उत्तिरामेरूर इंस्क्रिप्शन, नाम अजीब है बट ये एकदम यहीं पर याद रख लीजिए कि उत्तिरामेरूर जो इंस्क्रिप्शन है वो चोल डायनेस्टी से ही रिलेटेड है, ठीक है। आगे कुछ भी हो नहीं हो उससे मतलब नहीं स्टेटमेंट है, लेकिन ये रिलेटेड टू चोल डायनेस्टी है। उत्तिरामेरूर इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू चोल डायनेस्टी। 3 बार इसको अभी पढ़िए, उत्तिरामेरूर इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू चोल डायनेस्टी, ठीक है। तो ये आपका, अब इसको पढ़िए। इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स डिटेल्स ऑफ द फॉर्मेशंस एंड फंक्शंस ऑफ विलेज काउंसिल्स इन द चोल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सही स्टेटमेंट है दोस्तों, उत्तिरामेरूर इंस्क्रिप्शन में चोल डायनेस्टी के अंतर्गत गाँव का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था उसके बारे में दिया गया है। तो स्टेटमेंट 1 इज राइट। दूसरा पढ़िए, देर वॉज नो विलेज ऑटोनमी एंड द किंग वॉज द अल्टीमेट डिसीजन टेकर। दोस्तों ये तो गलत है, क्योंकि उत्तिरामेरूर इंस्क्रिप्शन में ही दिया गया है कि विलेज के पास ऑटोनमी थी, मतलब अपना रूल को लेकर के। तो ये गलत है। फिर देखिए, द नेवल अचीवमेंट्स ऑफ द तमिल्स ड्रास्टिकली डिटीरियोरेटेड अंडर द चोलाज। ये तो हंसने वाली बात है। चोल डायनेस्टी ने क्या किया था दोस्तों, इधर देखिए, इधर है इंडिया, ठीक है, इधर ऐसे से वेस्ट बंगाल ऐसे, और इधर फिर आपका इंडोनेशिया और मलेशिया थाईलैंड ये सब है, इधर है श्रीलंका। पूरा बे ऑफ बंगाल को चोल रूलर्स ने चोल लेक बना करके रख दिया था दोस्तों, क्योंकि श्रीलंका पर भी कब्जा कर लिया था, इधर जावा सुमात्रा इन सब पे भी कब्जा कर लिया था। तो इस पूरे पर मतलब चोल का ही एकदम राज चलता था दोस्तों, ठीक है। एक तरीके से अपना छोटा सा तालाब बना करके रख दिया था उन लोगों ने। तो ये तो कहा नहीं जा सकता कि नेवल अचीवमेंट्स जो है चोला रूलर्स के अंदर कम हुआ था, वो उल्टा बढ़ा ही था। तो थर्ड गलत है। फिर फोर्थ स्टेटमेंट देखिए दोस्तों, कुद्दा वलाई सिस्टम इज एसोसिएटेड विद द चोला एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों ये एक्चुअली सही है, जो कुद्दा वलाई सिस्टम है ये विलेज एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, ठीक है। और क्या कहता है कि हर विलेज का जो हेड है वो चुना जाएगा, ठीक है। कुद्दा वलाई सिस्टम क्या कहता है कि विलेज का जो हेडमैन है उसको चुना जाएगा, इलेक्ट किया जाएगा, यही है कुद्दा वलाई सिस्टम। कुद्दा वलाई सिस्टम इज रिलेटेड टू चोला एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विलेज, ठीक है। तो फोर्थ सही है, 1 एंड 4 राइट हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिए दोस्तों। आइए 16th क्वेश्चन पर चलते हैं। विथ रेफरेंस टू द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द पल्लवा किंगडम, पल्लव किंगडम के आर्ट एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है। द पल्लवाज
इंट्रोड्यूस द आर्ट ऑफ एक्सकेवेटिंग टेम्पल्स फ्रॉम द रॉक। तो ये सही है, देखिए सबसे पहले पल्लवाज क्या करते हैं, रॉक को कट करके टेम्पल बनाते हैं जिसे वो लोग मंडपम बोलते हैं। ये फर्स्ट स्टेज है। सेकेंड स्टेज पे वो लोग रथ टेम्पल बनाते हैं, ये स्टेज टू है। थर्ड स्टेज में वो लोग स्ट्रक्चरल टेम्पल बनाते हैं जैसे सोर टेम्पल और कैलाश नाथार टेम्पल। ठीक है, तीन स्टेज है, एक तो रॉक कट टेम्पल, दूसरा है रथ टेम्पल्स यानी पत्थरों को ही काट काट के रथ जैसा बना दिया, और तीसरा है प्रॉपर स्ट्रक्चरल टेम्पल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। द पल्लवाज इंट्रोड्यूस द आर्ट ऑफ एक्सकेवेटिंग टेम्पल्स फ्रॉम द रॉक, सही है। मोनोलिथिक रथाज आर वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ द पल्लवा आर्किटेक्चर, तो ये भी सही है। डिसेंट ऑफ द गंगाज और अर्जुनाज पेनेंस एट महाबलीपुरम इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द पल्लवाज, ये भी सही है दोस्तों। ये जो डिसेंट ऑफ गंगाज और अर्जुनाज पेनेंस है ना, यहीं पर आपको एक फेमस फोटो मिलेगा नरेंद्र मोदी का और सी जिनपिंग का। सी जिनपिंग जब आए थे तो उनको मोदी साहब यहीं पर घुमाने के लिए लेकर के गए थे। ठीक है, तो आप देखिए ये भी महाबलीपुरम में ही है और पल्लवा डायनेस्टी से ही रिलेटेड है। तीनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है दोस्तों। इसको पढ़ लीजिए। आइए चलते हैं 17th क्वेश्चन पर। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। इन रिलेशन टू 900 AD, 900 AD में आ जाइए। अरेंज द फॉलोइंग डायनेस्टीज इन द साउथ टू नॉर्थ एक्सटेंट, साउथ टू नॉर्थ ज्योग्राफिकल एक्सटेंट। इसको साउथ से नॉर्थ में ऐसा जाना है दोस्तों। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कारकोटा जो है ये कश्मीर के रूलर्स हैं, तो सबसे नॉर्थ में तो कारकोटा ही होगा। तो वन हो गया आपका सबसे नॉर्थ में, द नॉर्थ द साउथ, तो यहाँ हो गया वन। फिर है प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटाज। राष्ट्रकूटाज है आपका डेक्कन में, तो सबसे साउथ में तो यहाँ पर फिलहाल राष्ट्रकूटाज ही होगा। तो फोर हो गया सबसे साउथ में। अब बीच में बचा प्रतिहाराज और पालाज। ठीक है, तो अब देखिए सबसे साउथ में फोर और सबसे नॉर्थ है वन, वैसे ऑप्शन एक ही है सी। तो फोर के बाद आएगा थ्री, यानी राष्ट्रकूटाज के बाद आएगा पालाज, कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर थ्री यानी पालाज, और फिर आएगा प्रतिहार। क्योंकि आपको पता है प्रतिहार का रूल कहाँ चल रहा है, ये चल रहा है राजस्थान में। पालाज का रूल कहाँ चल रहा है, ये चल रहा है आपका कहीं ना कहीं बिहार और बंगाल में। तो मैप पे आप देखेंगे बिहार बंगाल वाला रीजन जो है वो राजस्थान से थोड़ा सा हल्का सा नीचे है। वैसे एग्जैक्टली कौन ऊपर है कौन नीचे है उसकी हम लोग को जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग को पता चल गया कि साउदर्न मोस्ट यहाँ पर फोर है और नॉर्दर्न मोस्ट यहाँ पर वन है, तो ऑप्शन तो एक ही है। ठीक है, तो 4, 3, 2, 1 सजा दीजिए। तो पढ़ लीजिए दोस्तों आप लोग। आइए 18th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द प्रतिहारा रेंज, जो प्रतिहार डायनेस्टी से रिलेटेड स्टेटमेंट्स है कि द डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय हरिचंद्र। तो दोस्तों ये बात सही है, जो प्रतिहारा रूलर्स रूल का जो फाउंडर है उनका नाम हरिचंद्र ही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। फिर देखिए, अंडर नागभट्ट वन द एक्सटेंट ऑफ द एम्पायर वाज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द मौर्याज। दोस्तों पहली बात तो ये है कि जो मौर्यन रूल है उसमें लगभग इंडिया पूरा यूनाइटेड हो गया था, बंगाल से लेकर के ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान तक जो है वो पूरा यूनाइटेड हो गया था। साउथ में बस थोड़ा सा एरिया बचा हुआ था। ठीक है,
इतना बड़ा तो एम्पायर उसके बाद बना ही नहीं, ठीक है, जब तक कि ब्रिटिशर्स नहीं आ गए इंडिया में। तो ये स्टेटमेंट वैसे ही गलत है। और दूसरी बात ये है कि प्रतिहार के सबसे बड़े रूलर जो है वो नागभट्ट नहीं है, सबसे बड़े रूलर अगर प्रतिहार के कोई है तो वो है ये महेंद्रपाल, ठीक है। महेंद्रपाल के रूल में कहीं ना कहीं नागभट्ट ये प्रतिहार एम्पायर काफी बड़ा हो गया था, फिर भी मौर्यन एम्पायर के जैसा तो नहीं ही हुआ था। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट तो कैसे भी करके गलत ही है। फिर थर्ड पढ़िए, महेंद्रपाल कोर्ट वॉज एडॉर्न्ड बाई राजशेखर हु वॉज एन एमिनेंट संस्कृत पोएट। ये स्टेटमेंट सही है दोस्तों, राजशेखर एक कवि थे जो कि महेंद्रपाल के कोर्ट में थे। गुर्जर पर प्रतिहार, ये इनका रूल लगभग, देखिए इनका जो कोर एरिया है वो राजस्थान गुजरात का है, वैसे फैल फैल करके ये काफ़ी बड़ा हो गया था, ठीक है, बट मौर्यन एम्पायर जितना बड़ा नहीं हुआ था दोस्तों। तो सेकेंड काट दीजिए, बाकी 1 एंड 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चुप पढ़ लीजिए। अब 19th क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अब ये लंबा चौड़ा कहानी दिया हुआ है। ही इनिशियली सफर्ड डिफीट्स एट द हैंड्स ऑफ प्रतिहाराज एंड राष्ट्रकूटाज। ही ग्रेटली एक्सपेंडेड द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर एंड मेड द पालाज अ डोमिनेंट पावर इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न इंडिया एंड रेज्ड द पाल एम्पायर टू ग्रेट हाइट्स, ठीक है। मतलब ये कोई पाल रूलर है जो कि शुरू में तो प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश से हारते गए, बट बाद में इसने अपने वंश को काफ़ी, मतलब बाद में ये डोमिनेंट पावर बन गया, यानी बाद में उनको हरा दिया होगा, ठीक है। ही फाउंडेड द विक्रमशिला मोनेस्ट्री, ही फाउंडेड द विक्रमशिला मोनेस्ट्री। दोस्तों यहीं से आप कहीं ना कहीं इसका आंसर मार दे सकते हैं, मुझे ये सब कहानी उतनी नहीं पता है, बट ये पता है कि विक्रमशिला मोनेस्ट्री को फाउंड करने वाले का नाम है धर्मपाल। ठीक है, तो देख लीजिए बाकी। देखिए द रिनाउंड 8th सेंचुरी बुद्धिस्ट स्कॉलर संतराक्षित हु इज कंसिडर्ड एन एबॉट ऑफ नालंदा बिलोंग टू हिज रेन। आइडेंटिफाई द पाल किंग फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। दोस्तों इसका राइट आंसर है धर्मपाल, क्योंकि विक्रमशिला मोनेस्ट्री के फाउंडर धर्मपाल ही थे, ठीक है, उन्होंने ही इसको फाउंड किया था, उन्होंने ही इसको मतलब इनिशियली पेट्रोनाइज भी किया था। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। और ऑब्वियसली बात है, जो भी रूलर मोनेस्ट्रीज को फाउंड कर रहा है, ठीक है, और मतलब बड़े बड़े मॉन्क्स को, ब्राह्मण्स को दान दे रहा है, उनको बोल रहा है कि इस यूनिवर्सिटी में रहिए या यूनिवर्सिटी को पढ़ाइए, तो वो ऑब्वियसली बात है बड़ा रूलर ही होगा। छोटे रूलर को तो बस अपना राज्य बचाने की ही मतलब चिंता रहती है। तो इसका आंसर है धर्मपाल, क्योंकि विक्रमशिला मोनेस्ट्री के फाउंडर वही थे धर्मपाल। राइट ऑप्शन इज ए। अब यहाँ इसको पढ़ लीजिए दोस्तों। आइए 20वें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ पाला डायनेस्टी, पाला डायनेस्टी से रिलेटेड स्टेटमेंट्स है। द पाला एम्पायर्स लैंड्स वर डिवाइडेड इनटू मेनी प्रोविंसेस नोन एज भुक्तीज एंड गवर्न्ड बाय ऑफिशियल्स नोन एज उपारिकाज। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट एक्चुअली आपका सही है, ठीक है। ये इन लोगों ने मतलब बेसिकली ना ये कर लिया है, गुप्त वंश इत्यादि से इन लोगों ने इस चीज़ को आगे बढ़ाया, बढ़ाते चले गए हैं, ठीक है। पहले भी कहीं ना कहीं प्रोविंसेस को भुक्तीज में बांटा जाता था, और फिर जो डिस्ट्रिक्ट्स के हेड होते थे, ठीक है, उसको उपरिकाज बोलते थे। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। बाकी सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम द गुप्ता। हाँ ये भी सही है, क्योंकि ये जो चीज़ देखना ना, भुक्तीज में बांटना और उपरिकाज के द्वारा रूल करना, ये कहीं ना कहीं गुप्ता रूल से ही लिया गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। इसको पढ़ लीजिए दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सातवाहन डायनेस्टी, सातवाहन डायनेस्टी से रिलेटेड स्टेटमेंट है। दे कंटिन्यूड द एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न ऑफ द मौर्याज। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है, हालांकि थोड़ा डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच था इनका,
बट पैटर्न लगभग वही था, मौर्य का ही इन लोगों ने अपनाया था। ठीक है, फिर देखिए, कल्याणी वॉज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑन द वेस्ट कोस्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों। कल्याणी जो है वो आपका लगभग मुंबई के आसपास एक पोर्ट है। ठीक है, तो ये वेस्ट कोस्ट में ही हो गया, तो ये सही है, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो सातवाहन डायनेस्टी का एक पोर्ट था कल्याणी, और उन लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न बिल्कुल मौर्य वंश का ही अडॉप्ट किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये तो निश्चित सी बात है ना, जब तक कि कुछ रेडिकल चेंज नहीं हो रहा है, तो जो आगे का वंश है वो पीछे के वंश के एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न को अपनाएगा ही। जैसे पाला रूलर्स जो है वो गुप्ता वंश के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को अपना रहे हैं, उस तरह से सातवाहन जो है वो मौर्य वंश के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को अपना रहे हैं। तो चलिए, इसका ऑप्शन हो गया सी। इसको पढ़ लीजिए, आइए 22 क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट संगम एज इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट ढूंढना है। अब देखिए, दे हैड ट्रेड रिलेशंस विथ रोमन्स एंड एक्सपोर्टेड परफ्यूम्स ज्वेलरीज आइवरी एंड डायमंड्स टू देम। ये सही है, क्योंकि ये लोग रोमन्स के साथ इनका अच्छा खासा ट्रेड होता था। संगम लिटरेचर में भी मेंशनड है, रोमन्स को हम लोग यवंस बोलते थे। ठीक है, तो ये सही है, बट सही नहीं पूछ रहा है, ये इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो खैर ये सही है। दूसरा देखिए, द ब्राह्मण्स इंजॉयड नो स्पेशल प्रिविलेज इन द सोसाइटी। दोस्तों ये बात भी सही है, ब्राह्मण को संगम एज में कोई प्रिविलेज नहीं था। हालांकि संगम एज के बाद के टाइम में बहुत सारे ब्रह्मदेव वगैरह उनको दिए जाने लगेंगे। ठीक है, और ब्राह्मणों को थोड़ा सा बेटर मतलब तरीके से ट्रीट किया जाएगा साउथ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में ऑलरेडी उनका बेटर ट्रीटमेंट हो रहा है, बट साउथ इंडिया में नहीं हो रहा है फिलहाल। मतलब बहुत ज़्यादा स्पेशल प्रिविलेज उनको नहीं दिया जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। फिर देखिए, द कंडीशन ऑफ वीमेन वॉज बेटर देन इन नॉर्थ इंडिया एंड देर वॉज एब्सेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज एंड सती। दोस्तों संगम एज में चाइल्ड मैरिज नहीं होती थी, तो ये बात सही है, चाइल्ड मैरिज नहीं होती थी, बट सती प्रथा थी वहाँ पर। हालांकि सती प्रथा फोर्स्ड नहीं थी, बट ऐसा नहीं कि सती प्रथा होती ही नहीं थी, मतलब वॉलेंटरी सती प्रथा वहाँ पर होती थी। तो कहीं ना कहीं थर्ड स्टेटमेंट ही इसका इनकरेक्ट है, और इनकरेक्ट ही पूछ रहा है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। चलिए, इस एक्सप्लेनेशन को ध्यान से पढ़ लीजिए आप लोग वीडियो पॉज करके। आइए 23rd क्वेश्चन पर चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द तमिल किंगडम्स। ठीक है, तमिल किंगडम से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उनको देखिए। अनलाइक द चोलाज द पांड्याज कुड नॉट रियलाइज सब्सटैंशियल रिवेन्यू फ्रॉम एग्रीकल्चर एज वेल एज ट्रेड। देखिए दोस्तों ये गलत है एक्चुअली स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि पांड्याज हो या चोलाज हो, उनका मतलब अच्छा खासा रेवेन्यू जो है इससे आता ही था, मतलब एग्रीकल्चर से और ट्रेड से आता ही था। तो ये स्टेटमेंट सिंपली गलत है। दूसरा है, मालिक काफूर इन्वेडेड द पांडियन किंगडम। ये सही स्टेटमेंट है, क्योंकि मालिक काफूर आपको पता होगा ये अलाउद्दीन खिलजी का क्या कहेंगे कमांडर सेनापति था। ठीक है, मालिक काफूर एक यूनच था दोस्तों, यूनच या स्पेलिंग मुझे पता नहीं, यूनच और क्या होता है, जिसे हम लोग ट्रांसजेंडर बोलते हैं, किन्नर। और ये ट्रांसजेंडर होते हुए भी एक सेनापति था। तो देखिए इससे ये पता चलता है कि आज के डेट में जो LGBTQ कम्युनिटी अपने राइट्स की बात कर रहे हैं, तो मतलब कह रहे कि वो लोग ही वो सारे काम कर सकते हैं जो बाकी मेल या फीमेल करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर वो एक ट्रांसजेंडर होते हुए साउथ इंडिया के पांडियन किंगडम तक पहुंच गया था, सोचिए बीच में कितने किंगडम आए होंगे, काकतिया और कौन कौन से किंगडम्स आए होंगे, उन सबको हराते हुए पूरा एकदम साउदर्न मोस्ट पॉइंट तक चला गया था। तो ये बात सच है कि ट्रांसजेंडर हो, मेल हो या फीमेल हो, कोई भी कुछ भी कर सकता है, बस मेहनत करने की ज़रूरत होती है। तो चलिए, खैर ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, फिर देखिए, पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा देखिए। विलेज असेंबलीज अंडर द चोलाज कलेक्टेड अ टैक्स कॉल्ड एरी आयाम फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लर्निंग इंस्टीट्यूशंस। दोस्तों एरी आयाम जो है वो टैक्स है, चोल डायनेस्टी के अंदर का ही टैक्स है, बट ये लर्निंग इंस्टीट्यूशंस के लिए नहीं है।
हमेशा याद रखिए, एरी आयाम जो है, एरी आयाम इज अ टैक्स फॉर इरिगेशन टैंक्स, क्योंकि चोल डायनेस्टी में हम लोग को इरिगेशन के लिए टैंक्स देखने के लिए मिलते हैं। तो एरी आयाम याद रखिए, एरी आयाम इज ए टैक्स फॉर इरिगेशन टैंक्स। तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो यहां पर देखिए, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन इज आर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट ही पूछ रहा है। तो वन और थ्री ये दोनों इनकरेक्ट है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी मार दीजिए। बाकी सेकेंड स्टेटमेंट तो सही ही है, क्योंकि मालिक काफूर जो है पांडियन किंगडम को इन्वेड कर दिया था। इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ लीजिए दोस्तों। आइए 24th क्वेश्चन पर चलते हैं। विथ रेफरेंस टू द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ द चोलाज, हम लोग को देखना है कि चोल चोल वंश का टैक्सेशन सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो टैक्स असेसमेंट विद द हेल्प ऑफ सर्वे वॉज डन बाई लैंड रिवेन्यू डिपार्टमेंट। हाँ बिल्कुल सही बात है, लैंड रिवेन्यू डिपार्टमेंट था वहाँ पर, ठीक है, और अच्छे से वो मतलब सर्वे वगैरह करता था, उसके आधार पर ही टैक्स फाइनलाइज करता था कि इस ज़मीन पर कितना टैक्स लगेगा। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही दोस्तों। फिर देखिए, देर वॉज डिटेल्ड डिफ्रेंसिएशन बिटवीन द सेंट्रल टैक्सेस एंड लोकल टैक्सेस SSS, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब कुछ टैक्स ऐसे थे ना जो सिर्फ गांव वाले लेंगे, यानी कि गांव का जो हेड है वो लेगा, और वो गांव के पास ही रखेगा, मतलब उसको आगे पास नहीं करेगा, उस पैसे से वो गांव के लिए कुछ काम करेगा। मान लीजिए टैंक बनवा रहा है, या कुछ स्कूल चलाने के लिए कुछ यूज करेगा, ठीक है, मतलब लोकल पर्पस के लिए वो टैक्स लिया जाएगा, लोकल के द्वारा ही लिया भी जाएगा। तो ये दो टाइप के टैक्स हैं, और कुछ टैक्सेस सेंट्रल टैक्सेस हैं, यानी कि वो बेसिकली किंग तक जाएंगे, वो टैक्स मेन ट्रेजरी तक जाएगी। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, लैंड टैक्सेस वेर स्टैंडर्डाइज्ड अलॉन्ग विथ अ नंबर ऑफ अदर टैक्सेस रिलेटेड टू लैंड। दोस्तों आपका ये भी स्टेटमेंट सही है। बेसिकली जो बेसिक लैंड टैक्स है उसको हम लोग कदमाई बोलते हैं, कदमाई या कदामाई, कदामाई चोल वंश के अंदर में जो लैंड टैक्स है बेसिकली उसको हम लोग बोलेंगे कदमाई। और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि लैंड टैक्सेस जो स्टैंडर्डाइज्ड थे, ठीक है, और उसके अलावा भी कुछ स्टैंडर्डाइज टैक्स के अलावा भी कुछ छोटे मोटे टैक्स थे लैंड से रिलेटेड। तो स्टेटमेंट थ्री भी सही है, यानी कि इसके तीनों ही स्टेटमेंट सही है दोस्तों। 1, 2 एंड 3 विल बी द राइट आंसर। देखिए, अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट पर भरोसा है तो सीधा बढ़ते जाइए, ऑप्शन मारते जाइए, ठीक है। ज़्यादा घबराना नहीं। हाँ, एक बार आंसर मारने के बाद फिर से उसको पढ़ लीजिए कि कहीं मैंने कुछ पढ़ने में तो गलती नहीं कर दी। फिर भी आपको लगता है कि आपने सही मारा है, बस आगे बढ़ जाइए। तो D 1, 2 एंड 3 ओनली इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं दोस्तों 25th क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग लिस्ट रिगार्डिंग द किंग्स ऑफ द चालुक्यन पीरियड। ये बेसिकली चालुक्यन पीरियड के कुछ किंग्स हैं और उनके अचीवमेंट्स हम लोग को बात किया जा रहा है, ठीक है। तो पुलकेशिन वन दोस्तों बेसिकली चालुक्यन डायनेस्टी का फाउंडर ही है, यानी फर्स्ट रूलर ही है समझ लीजिए। और जो मेन मतलब जो सबसे फेमस रूलर है वो पुलकेशिन 2 है, तो उसे कन्फ्यूज मत करिएगा। पुलकेशिन 2 से रिलेटेड है आईहोल इंस्क्रिप्शन। पुलकेशिन 1 तो सिर्फ फाउंडर है, बस उसने मतलब चालुक्यन डायनेस्टी को फाउंड करके छोड़ दिया। तो 1 का बी हो जाएगा, तो 1 का जहां भी बी नहीं उसको काट दीजिए, ठीक है। फिर कीर्तिवर्मन जो है वो पुलकेशिन 1 का बेटा था दोस्तों, और इसने क्या किया था, बेसिकली कदम्बा डायनेस्टी और नाला डायनेस्टी को इसने मतलब हरा दिया था। तो देखिए, कदम्बा डायनेस्टी और नाल डायनेस्टी को इसने हरा दिया था। तो कीर्तिवर्मन 1 जो है डिफीटेड द नाल डायनेस्टी, यानी 2 का डी, तो 1 का B 2 का D। अब देखिए, ये ही खत्म हो गया, ऑप्शन हो गया इसका ए, 1 का B 2 का D। बाकी बाकी आप तीसरा पढ़ लीजिए, विक्रमादित्य 1, तो क्या हो जाएगा, अब 3 का C जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, प्लंडर्ड कांची द पल्लवा कैपिटल, ठीक है। फोर्थ पढ़िए, विक्रमादित्य 2, 4 का क्या बचा A बचा। तो विक्रमादित्य 2 क्या करेगा, रिपेल्ड द अरब इन्वेजन, अरब इन्वेजन को रोकेगा। कहाँ पर रोकेगा, ये लगभग गुजरात के आसपास में जो अरब लोग इन्वेज करते रहते थे, तो उसको किसने रोका, विक्रमादित्य 2 नाम के रूलर ने रोका दोस्तों। फिर लास्ट है कीर्तिवर्मन 2, ये चालुक्य लास्ट रूलर था दोस्तों। जो कीर्तिवर्मन 2 है ये चालुक्य वंश का लास्ट रूलर है। चालुक्य वंश का फर्स्ट रूलर है पुलकेशिन 1, चालुक्य वंश का
फेमस रूलर है पुलकेशिन टू, और चालुक्यन वंश का लास्ट रूलर है कीर्तिवर्मन टू। ठीक है, तो इस तरह से आप मिला लीजिए। देखिए आप एक से दो भी सही कर देंगे ना, तो आप राइट आंसर तो वैसे ही पहुंच गए। मैंने तो आपको देखा ना कि बस एक सही करते दो ऑप्शन कट गए, और एक और सही करते आप सीधे राइट आंसर तक पहुंच गए। तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, इसको पढ़ लीजिए दोस्तों। इसी के साथ हमारे ये सेशन ही नहीं कंप्लीट होता है, बल्कि हमने एंशेंट हिस्ट्री के सारे एमसीक्यू सॉल्व कर दिए हैं, और होपफुली आपने सारे के सारे लेक्चर्स देखे हैं। इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे सारे लेक्चर्स, अगर आपने नहीं देखे तो वन बाय वन सभी को देखते जाइए। देखिए अगर आप सिर्फ सुनते भी जाएंगे तो भी क्या है कि आपका काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगा, और धीरे 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 करते करते आप काफ़ी सारे एमसीक्यू जब सॉल्व कर लेंगे तो आपके अंदर एक इनबिल्ट स्किल आ जाएगी एमसीक्यूज में राइट आंसर तक पहुंचने की। जैसे आप मुझे सुन रहे हैं कि मैं किस तरह से राइट आंसर्स तक पहुंच रहा हूं, हालांकि मैं मेनली दोस्तों नॉलेज पर डिपेंड करता हूं। मेरा स्कीम है अगर एमसीक्यू सॉल्व करने का तो वो है बेस्ड ऑन नॉलेज, क्योंकि ये स्कीम ज़्यादा धोखा नहीं देगी। बेस्ड ऑन अगर ट्रिक जाएंगे तो ये आपको धोखा भी दे सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन पूछने का तरीका कई बार बदल देती है, तो फिर क्या है ना वो ट्रिक आपके काम नहीं करते हैं, एलिमिनेशन टेक्निक काम नहीं करता है, फिर आपका प्योर नॉलेज ही काम करता है दोस्तों। तो इसीलिए कोशिश करना हम लोगों को कि बेसिक बुक्स जो है एनसीईआरटी उसको पढ़ कर के आएंगे, और फिर यहाँ एमसीक्यू मेरे साथ लगाएंगे और देखते हैं कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अब हम लोग मेडिवल हिस्ट्री के सेक्शन में, और मैं आपसे आशा करता हूँ कि अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप इस सेशन को सिर्फ लाइक ही नहीं करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो में कमेंट के माध्यम से मुझे बताएंगे कि आपको ये कैसा लग रहा है, प्लस अपने सीरियस दोस्तों के साथ इसको जरूर से जरूर शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।